में जिस टाइप ऑफ, कौन सा टाइप हमें पेपर चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए या हमें जो है वो कोई अपनी सीवी चाहिए, तो उसको अपने अंदर फीड अप कर लेना है, ठीक है। और पावर केबल ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इन डीसीज, ठीक है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना है, एसी प्रोवाइड नहीं करना है, अल्टरनेटिव करंट नहीं प्रोवाइड करना। यूएसबी केबल ने जो सप्लाई करनी चीज, वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूजर से लेकर प्रिंटर तक, और इसमें मिडल मैन क्या है, कंप्यूटर है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर के थ्रू जा रही है, किस में जा रही है, प्रिंटर में। मिरर ने काम क्या काम करना है जी, एक लो पावर्ड लेजर बीम को स्ट्राइक करवाना है ड्रम की सर्फिस पे, ठीक है, और एंड पे हमारे पास हीट एंड प्रेशर, जिसने एक खास प्रेशर के ऊपर प्रिंटेड मटेरियल को प्रिंट करना है। तो स्टेप नंबर वन में हमने एक आया कि ड्रम ने रोटेट करना है, जैसे ही ड्रम रोटेट करेगा तो हमारे पास रोलर जो है वो उस शीट को फीड अप कर देगा जिस शीट पे प्रिंट आना है, ठीक है। स्टेप नंबर टू में हमने ये कहा है जो हमारे पास लो पावर्ड लेजर बीम है वो स्ट्राइक करेगी ऑन टू द सर्फिस ऑफ ड्रम, ठीक है। अच्छा, ये जो लो पावर लेजर बीम है ना, इसको स्ट्राइक करवाएगा कौन, यानी कि किसके थ्रू स्ट्राइक होगा, यानी कि हमने ये लिख देना है लो पावर लेजर बीम स्ट्राइक ऑन टू द सर्फिस ऑफ ड्रम, लेकिन ये लो पावर लेजर बीम को स्ट्राइक कौन सा पार्ट करवाएगा, कौन सा पुर्जा करवाएगा इसमें से, उसका नाम है मिरर। तो मिरर वो एक पार्ट है जो हमारे पास लो पावर लेजर बीम को स्ट्राइक करवा रहा है ड्रम की सर्फिस पे। स्टेप नंबर थ्री में हमने ये कहा है कि जो लो पावर लेजर बीम है इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके रीजन क्या है। तो हमने ये कहा इसने जैसे ही ड्रम की सर्फिस से टकराएगी तो ये चार्ज क्रिएट करेगी, चार्ज, ठीक है। चार्ज आप यूं समझ लें, चार्ज इज जस्ट लाइक दैट सिग्नल, चार्ज इक्वल टू सिग्नल, जाने के लिए चार्ज क्या है, सिग्नल की तरह काम करता है, यानी कि जैसे ही लो पावर लो लेजर बीम स्ट्राइक करवाएगी ऑन टू द सर्फिस ऑफ ड्रम तो उसने चार्ज क्रिएट करना है, सिग्नल देना है, किसको सिग्नल देना है, टोनर को, कि वो इंक को स्ट्राइक करवाए पेपर की सर्फिस पे, ठीक है। और स्टेप नंबर फाइव में हमने वही कहा है कि जैसे ही जो हमारे पास हीट एंड सेंसिटिव हीट एंड प्रेशर है उसने एक्स्ट्रा इंक को ऑब्जर्व करना है, और जो हमारे पास करेक्टर्स आएंगे इन प्रिंटेड फॉर्म में उन पे जो इंक यूटिलाइज होगी उसको प्रॉपरली तो यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज करने के बाद एक लिमिटेड प्रेशर्स के ऊपर उसको जो है वो ड्राई भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जी आज का, कि एक प्रिंटर है वो काम कैसे करता है। तो अब जो हम अपने अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे, मेरी जो अगली आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे कि अदर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो उसके बाद हम जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि अदर आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।